नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का अपडेट है जिसमें MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो पार्ट वन और पार्ट सेकंड में है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाली है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यह सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट के MP CHO क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे जाए और रेड बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेंट, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या क्या कंटेंट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 25 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 3 आयरन टेबलेट। सेकंड है 22 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड 6 आयरन टेबलेट। एंड 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टेबलेट। एंड 20 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 8 आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टेबलेट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। सेकंड है सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड थर्ड है बसल बॉडी टेम्परेचर मेथड एंड फोर्थ है यूज ऑफ कंडोम। तो इसका करेक्ट आंसर है यूज ऑफ कंडोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस। तो फर्स्ट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द वेरोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है डायफ्राम, सेकंड है नोवाटी, थर्ड है वजाइनल स्पंज एंड फोर्थ है कंडोम। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाटी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च इन। फर्स्ट ऑप्शन है 1982, 1987, 1994 एंड 2014। तो इसका करेक्ट आंसर है 1982 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द डाइवेशन इन द रिकवर ऑफ द पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट कर्टन रिमेडियल एक्शन आर नेसेसरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर है बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेस मस्ट कंसाइडर द फॉलोइंग फाइव राइट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन एक्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट पेशेंट, राइट पोस्चर, राइट टाइम, राइट डोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, राइट पोस्चर। राइट पोस्चर हो वो फाइव राइट्स में ऐड नहीं है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सपोज्ड बाई द नर्स इज सेट। फर्स्ट है लिस्टेनिंग, रेस्टेनिंग, क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्टिंग या फिर से कहना इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू बॉर्न इज असेस फॉर अबगार अ 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ द स्कोर इज एट व्हाट डज द दिस इंडिकेट। फर्स्ट ऑप्शन नो डिप्रेशन, सेकंड है माइल्ड डिप्रेशन, थर्ड है मॉडरेट डिप्रेशन एंड फोर्थ है सेवर डिप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है नो डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिशियरी ऑफ सुमन एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन से ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, सेकंड है मदर्स अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी एंड थर्ड है ऑल सिक न्यूबॉर्न एंड फोर्थ है ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीन डे एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर इंडिया नेशनल वैक्सीन डे वैक्सीनेशन डे मनाता है, कब, 12th मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च एंड 25 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है
16 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेंशन बाय अ इन्फेक्शन अगेन एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंट पीरियड, सेकंड है क्वारंटाइन, थर्ड है इनक्यूबेशन पीरियड एंड फोर्थ है टर्मिनेशन ऑफ पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर है इनक्यूबेशन पीरियड इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्संस हु ट्रांसमिटेड द मैसेज इज सेल्ड। फर्स्ट इनकोडर, इनकोडर, रिसीवर, डिकोडर एंड थिंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है इनकोडर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट आपको इमेज में दे रखा है कि आपको बताना है कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, सेकंड है डायलेटर एंड थर्ड है स्केपुला एंड फोर्थ है बीपी हैंडल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बीपी हैंडल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें भी आपको इंस्ट्रूमेंट की इमेज दे रखी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यह इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है और इसका नाम आपको चार ऑप्शन से बताना है। फर्स्ट है आईवी कैनुला, सेकंड है वेसल्स डायलेटर एंड थर्ड है लंबर पंक्चर नेडल एंड फोर्थ है लॉन्ग नेडल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है लंबर पंक्चर नेडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है लंबर पंचर नेडल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द मशीन। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि इस मशीन का नाम क्या है। तो आपको मशीन दिखाई गई इमेज में और आपको बताना है कि यह मशीन का नाम क्या है। ठीक है, इस मशीन का नाम क्या है यह आपको बताना है। ठीक है, तो बढ़ते आगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कार्डियक मॉनिटर, सेकंड है डेफिब्रिलेटर एंड थर्ड है पल्स ऑक्सीमीटर एंड फोर्थ है पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डेफिब्रिलेटर, डेफिब्रिलेटर इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट के बाद यदि सेकंड शिफ्ट के आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो बना देंगे, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो वेरी मच।